आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आपने लास्ट वीडियो में देखा था। देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड तो जुड़ा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक फ्रिक्शन वर्ड और जुड़ गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी चार्जेस होने चाहिए और उनके अंदर फ्लो होना चाहिए, तब क्या जनरेट होती थी आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस बार हम लोग चार्ज जनरेट करेंगे। पहले अभी तक हमारे पास क्या था कि मान के चलो चार्ज था, लेकिन इस बार हमारे पास चार्ज है नहीं, हम लोग पहले चार्ज जनरेट करेंगे। और वो चार्ज जनरेट कैसे करेंगे, फ्रिक्शन की मदद से। बात आई मेरी समझ में, नहीं आई बात समझ में, यानी यहाँ पे हम लोग चार्ज जनरेट करेंगे और किसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से। तो यहां से क्या जनरेट, सबसे पहले बात समझो कि इस बार चार्ज जो है जनरेट किया जाएगा, इस बार क्या होगा, चार्ज जनरेट किया जाएगा किसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से। तो डेफिनेशन निकल के आती है, इफ अ बॉडी इज गेट चार्ज्ड, इफ अ बॉडी गेट चार्ज्ड, चार्ज्ड बाय गिविंग इट फ्रिक्शन, फ्रॉम अनदर बॉडी, ठीक है, इफ अ बॉडी गेट्स चार्ज बाय गिविंग इट फ्रिक्शन फ्रॉम अनदर बॉडी। अभी तक हमारे पास चार्ज मान के चलो होता था, लेकिन इस बार चार्ज नहीं हमारे पास, बॉडी को पहले चार्ज करेंगे। और वो चार्ज करेंगे कैसे, इस बार हम लोग चार्ज करने वाले हैं फ्रिक्शन की मदद से। और फ्रिक्शन की मदद से जो चार्ज जनरेट होगा इसी को बोला जाएगा आपका, इफ अ बॉडी गेट्स चार्ज बाय गिविंग इट फ्रिक्शन फ्रॉम अनदर बॉडी, देन इट इज डिफाइंड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब चार्ज जनरेट कैसे होगा, चार्ज हमारे पास या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इन्हीं के फिर फ्लो के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो होगा क्या, हमारे पास दो बॉडीज होंगी, एक बॉडी ए और दूसरी बॉडी बी। हमने माना कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए और दूसरी बॉडी बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे, इन दोनों बॉडीज में क्या जनरेट करेंगे, फ्रिक्शन। जैसे ये दो बॉडीज है मेरे पास, अब इन दोनों बॉडीज को अगर हम रब करेंगे तो रब करने पे क्या होगा भाई, देखिए इसके पास भी क्या होगा भाई, एक एक कोई भी एक बॉडी ए है तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे प्रोटॉन्स भी होंगे। सेम वे में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे प्रोटॉन्स भी होंगे। लेकिन होगा क्या कि अगर मान के चलो ए वाली बॉडी जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हैं, हमने माना ए वाली के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हैं, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के रबिंग के ड्यूरेशन में बी वाली पे पहुंच जाएंगे। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी थे और प्रोटॉन्स भी थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी थे प्रोटॉन्स भी थे, सेम वे में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी थे प्रोटॉन्स भी थे, लेकिन हमने माना कि जो ए वाली बॉडी है उसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से। तो लूजली बॉन्डेड होने की वजह से क्या होगा, ड्यूरिंग द रबिंग पीरियड जब हम दोनों बॉडीज को रब कर रहे होंगे, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे होंगे, तो इस बॉडी पे से जिस बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से छोड़ के बी वाली बॉडी पे अटैच हो जाएंगे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हमें पता है ये चीज हम पढ़ते आते हैं कि अगर कोई भी न्यूक्लियस या फिर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगी इधर, तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए रिसीव किए तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए चार्ज जनरेट हो गया हमारा, यानी ए वाली बॉडी अब हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज, और बी वाली बॉडी कैसी होगी हमारी, नेगेटिव चार्ज। तो वही तो हमारा पढ़ना है यहाँ पर, यही तो हमें पढ़ना था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में। इफ अ बॉडी गेट्स चार्ज बाय गिविंग इट फ्रिक्शन फ्रॉम अनदर बॉडी देन इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, अच्छे से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम तो ए को नहीं मान रहे, हम तो मानेंगे बी के पास इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड है, तो कोई नहीं अपोजिट हो जाएगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर जाएंगे, ये वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो यही होता है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो, अगर अच्छी लगी तो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कुछ अगली वीडियोज में आप लोगों से।